खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 6:30 बज रहे हैं। दिन की बड़ी खबरों का पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर्स। राहुल गांधी की नागरिकता पर नया विवाद खड़ा हो गया है, पूरी खबर होगी आगे। बिल्कुल रोमारा। इसके अलावा चौकीदार मामले में राहुल गांधी का केस आज सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट में क्या क्या हुआ और खेत को लेकर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, पंचनामा में दिखाएंगे आपको जी। और वहीं अमित शाह और पीएम मोदी पर आचार संहिता के मामले में की गई याचिका पर आज क्या हुआ ये भी बताएंगे। और राजनीति से अलग भी एक खबर है, अहम खबर। सेना ने हिममानव यति के होने का दावा किया है और कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, आसाराम के बेटे नारायण साईं को रेप मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण साई को उम्र कैद की सजा सुनाई और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल की सजा और बढ़ाई जाएगी। ये मामला 11 साल पुराना है। नारायण साई ने सूरत आश्रम में साध्वी के साथ बलात्कार किया था। नारायण साई के अलावा कोर्ट ने उसकी सहयोगी गंगा और जमुना को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने नारायण साई के ड्राइवर रमेश मल्होत्रा को हमलावर को शरण देने का दोषी पाया और उसे भी 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। दिन की अगली बड़ी खबर, देश के बड़े उद्योगपति गोएयर के मालिक और आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब के को ओनर नेस वाडिया को ड्रग्स रखने के लिए जापान के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। कभी फिल्म स्टार प्रीति जिंटा के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर चर्चा में रहे कारोबारी नेस वाडिया इस बार गलत कारणों से चर्चा में हैं। नेस वाडिया की सजा 5 साल तक सस्पेंड रहेगी। इस दौरान अगर वो जापान में कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो जेल जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेस वाडिया को मार्च में जापान के होकाइडो आइलैंड के एयरपोर्ट में 25 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। छुट्टियां मनाने जापान गए नेस वाडिया 20 मार्च से पहले हिरासत में थे और बाद में जमानत पर छूटकर भारत आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने की बात कबूली थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नेस वाडिया की सजा की खबर पर ब्रिटानिया से सफाई मांगी है। कारोबार के दौरान बीएसई पर ब्रिटानिया के शेयर में 2% गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। आज एनआईए ने केरल से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है जो केरल में श्रीलंका की तरह आत्मघाती हमला करने की फिराक में था। एनआईए ने 29 साल के रियाज अबू बकर उर्फ अबू दुजाना नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि अबू दुजाना केरल में फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। अबू बकर श्रीलंका में आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम का फॉलोअर था और पिछले 1 साल से हाशिम के ऑडियो और वीडियो देख रहा था। एनआईए के मुताबिक अबू दुजाना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो भी देखा करता था। और अब खबर हरिद्वार से, जहां से एक दर्दनाक वीडियो आया है। हरिद्वार में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हरिद्वार के एक आश्रम की यह तस्वीर है। कमरे से एक युवक बाहर निकलता है और नीचे की तरफ झांकता है। वहीं युवक के पीछे एक पुलिस वाला है जो गेट बंद कर रहा है। अब जो होगा वो हैरान कर देने वाला है। चंद सेकंड में युवक तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका और उसकी सहेली के साथ गुजरात के द्वारका से यहां पहुंचा था। तलाशी के दौरान पुलिस आश्रम पहुंची तो पुलिस को देखकर युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस अब दोनों लड़कियों से पूछताछ कर रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में हुए आतंकी बम धमाकों के बाद आईएस सरगना बगदादी कैमरे के सामने आया। करीब 5 साल बाद आईएस सरगना अल बगदादी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है जिसमें वो श्रीलंका में हुए बम धमाकों का जिक्र कर रहा है। इस वीडियो को आईएस के मीडिया आम अल फुरकन ने अपलोड किया है। वीडियो में बगदादी दूसरे आतंकियों के साथ बात करता दिख रहा है। बगदादी ने काले रंग की पोशाक पहनी है और उसकी दाढ़ी सफेद और भूरे रंग की दिख रही है। बगदादी जहां बैठा है वहां बगल में ही एक मशीन गन रखी है, साथ ही पानी की बोतल और मशीन गन की मैगजीन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बगदादी कुछ फाइलें पढ़ता भी नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो कब का है और इसे कहां शूट किया गया है फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब खबर राजनीति से। आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो पर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज की है। हमारा कोई नहीं होता था।
अपने जगह बैठो, क्यों खड़े हो? बैठो बैठो, सॉरी, शर्म आनी चाहिए। आसनसोल में मतदान के दौरान बाराबोनी के एक पोलिंग बूथ में बाबुल सुप्रियो बूथ अधिकारी को फटकार लगाते कैमरे में कैद हुए। इस वीडियो के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से बाबुल सुप्रियो की शिकायत की और अब चुनाव आयोग ने बाबुल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं बाबुल कह रहे हैं कि उन्होंने अधिकारी को अपना काम ईमानदारी से निभाने के लिए डांटा था। आसनसोल में कल मतदान के दौरान जमकर हिंसा और झड़प हुई थी। और अब दिन की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और इस खबर का संबंध दिल्ली से भी है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल राज्य सरकार के रोजाना के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने फैसले में तीन बड़ी बातें कही हैं। LG सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती। LG सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती है। LG सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी भी नहीं कर सकती है। LG का काम केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर अमल करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2017 के क्लेरिफिकेशन ऑर्डर को भी खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय के क्लेरिफिकेशन ऑर्डर में किरण बेदी को प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। मद्रास हाईकोर्ट में क्लेरिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस विधायक के लक्ष्मी नारायणन ने याचिका दायर की थी। पुंडुचेरी की तरह ही दिल्ली में भी राज्य सरकार का उपराज्यपाल से टकराव है। दिल्ली के LG और आप सरकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब उपराज्यपाल के अधिकारों को भी मान्यता दी थी। आज मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी ने जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की, जनता उनको चुनावों में हराएगी, लेकिन उससे पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने उनको उनकी इलीगल असंवैधानिक वजहों से उनको हरा दिया है। और देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता पिछले कुछ समय से सवालों के घेरे में है और राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फिर से एक बार बवाल और सवाल खड़ा हो गया है। इस बार गृह मंत्रालय ने मांगा है राहुल गांधी से जवाब। 29 अप्रैल 2019 को गृह मंत्रालय को पत्र लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने की शिकायत की। इस पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस दिया और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले इसी संबंध में 21 सितंबर 2017 को गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। स्वामी का आरोप है कि साल 2003 में ब्रिटेन में बैकऑप्स नाम की एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसके निदेशक कथित तौर पर राहुल गांधी थे और वहां उनकी नागरिकता ब्रिटिश लिखी थी। इसी कंपनी ने साल 2006 में जो रिटर्न फाइल किया है, उसमें भी राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। अब खबरें आ रही हैं कि पहले कंपनी में राहुल की नागरिकता भारतीय लिखी थी, बाद में ब्रिटिश लिखी गई। सूत्रों के मुताबिक लंदन रजिस्ट्री में आरंभिक रजिस्ट्रेशन के समय राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय लिखी हुई है, लेकिन कंपनी के रिन्यूअल के समय राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश लिखी हुई है। ऐसे में जांच के दौरान यह देखना होगा कि ब्रिटिश लिखे हुए दस्तावेज पर राहुल गांधी ने अपने हस्ताक्षर किए हुए या नहीं। राहुल की नागरिकता पर उठे इस सवाल के समय पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिकायत कई बार हुई, प्रोसेस अब हुई। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। देखिए, जो एक तरफ खुद देश के गृह मंत्री इस पूरे मामले को रूटीन बता रहे हैं और राजनीति से जोड़कर ना देखने को कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ BJP ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को घेरने की कोशिश की। ये जो सवाल आज होम मिनिस्ट्री ने पूछा है, यह सत्यापित डॉक्यूमेंट्स अर्थात ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है और आधार भी उसके स्वयं राहुल गांधी है, और हम बहुत शालीनता से कुछ सवाल पूछेंगे, निर्लजता से नहीं, शालीनता से। राहुल कौन सा सच्चा है? Which Rahul is original? राहुल लंदन वाले या राहुल लुटियंस वाले? कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है, देशी या विदेशी? इस पूरे मामले में कांग्रेस ने BJP पर ही राजनीति का आरोप लगाया। और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं, 5 साल पहले भी आपने ये इल्जाम लगाए थे, 2.5 साल पहले आपने ये शिकायत गृह मंत्रालय को दी थी, 5 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव में आप इस तरह के नोटिस देकर ध्यान नहीं भटका सकते। राहुल की नागरिकता का विवाद 2015 में भी उठा था, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 2015 में वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर PIL दाखिल की थी। 30 नवंबर 2015 को कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग या सरकार के पास जाना चाहिए था। इसी तरह अमेठी में भी इस बार राहुल गांधी के भारतीय होने पर अमेठी से ही निर्दलीय उम्मीदवार ने सवाल उठाते हुए नामांकन को रद्द करने की मांग की थी। जांच में नामांकन अधिकारी ने राहुल के नामांकन को वैध घोषित किया था।
तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को घेरा, तो कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने राहुल की नागरिकता पर उठे सवालों को बकवास कहा। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। और अगली खबर भी राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। चौकीदार चोर है के नारे में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नया हलफनामा दायर करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह समय तब दिया जब राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी और तभी यह फैसला भी होगा कि ताजा हलफनामा स्वीकार करना है या नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि राहुल गांधी ने हलफनामे में पूर्ण खेद जताया है या नहीं। साथ ही सीजीआई ने यह भी सवाल किया कि हलफनामे में खेद ब्रैकेट में क्यों लिखा है। वहीं याचिका दाखिल करने वाली मीनाक्षी लेखी के वकील ने कोर्ट के सामने मांग रखी कि राहुल बिना शर्त माफी मांगे, यानी अगले 3-4 दिनों में उपयुक्त एक और हलफनामा डालेंगे, एडिशनल हलफनामा, जिसमें हम स्पष्ट कर देंगे कि जहां तक एट्रीब्यूशन का सवाल है हम अपॉलोजी मांगते हैं। रिग्रेट तो हमने कह ही दिया है, हम अपॉलोजी शब्द का भी प्रयोग करेंगे। ये किसी रूप से राजनीतिक स्टैंड हमारा परिवर्तित नहीं होगा। और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में रफेल मामले पर भी सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार को बाकायदा नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले पर 6 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कोर्ट ने पुनर्विचार पर खुली अदालत में सुनवाई की बात कही लेकिन सरकार को नोटिस जारी नहीं किया इसलिए जवाब दाखिल नहीं हो पाया। इस पर सीजीआई ने कहा ठीक है हम नोटिस जारी कर रहे हैं आप जवाब दीजिए। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को कहा हमने सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है इस पर भी जवाब मांगिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर भी जवाब देने को कहा। बता दें 10 अप्रैल को राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका पर दोबारा सुनवाई की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में रिव्यू पिटीशन के नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। इस मामले में आज सुनवाई हुई। और अगली खबर दिल्ली से, जहां के शास्त्री भवन में आग लगी तो इसकी तपिश सियासी गलियारे तक देखने को मिली। शास्त्री भवन की 4th मंजिल में आज दोपहर आग लग गई। ये वही भवन है जहां कई जरूरी सरकारी कागजात होते हैं और कई अहम सरकारी कार्यालय यहां हैं। आग लगने की वजह साफ नहीं है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग की आग तो बुझा दी लेकिन इसकी राजनीतिक लपटें ट्विटर के जरिए बाहर निकली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आग का जिक्र करते हुए लिखा मोदी जी फाइलें जलाकर भी आप बच नहीं सकते, फैसले का दिन जल्द आ रहा है। और अब खबर भोपाल से, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद को हिंदुत्व का प्रतीक बता दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा खुद पीएम मोदी ने उनको हिंदुत्व का चेहरा बनाया है। देश में जब भगवा को आतंक कहा जाता है तो पूरा विश्व कांपने लगता है। हिंदुत्व को जब आतंकवादी कहा जाता है, इस आतंकवाद शब्द से, हिंदुत्व आतंकवाद शब्द से पूरी शांति भंग हो जाती है। और उसका सिंबल मोदी जी ने एक नारी को, एक भगवा को, एक हिंदुत्व को सम्मान देने के लिए मुझे सिंबल बनाया है। और अब राजनीति से अलग एक रोचक खबर दिखाते हैं आपको। हिम मानव येती के होने का दावा कर रही है भारतीय सेना। हिम मानव की कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई है। भारतीय सेना ने पहली बार हिम मानव येती की मौजूदगी के सबूत पेश किए हैं। आर्मी ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं जिनमें बर्फ पर कुछ निशान दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये निशान हिम मानव येती के पैरों के हो सकते हैं। आर्मी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है पहली बार भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियान दल को 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप के करीब 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंट के निशान मिले हैं जो हिम मानव येती के हो सकते हैं। इस मायावी हिम मानव को पहले मकालू बरुण नेशनल पार्क में देखे जाने का दावा किया गया था। माना जा रहा है कि अब वैज्ञानिक और सेना के इस दावे की जांच पड़ताल करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार बने तेज बहादुर के नामांकन को लेकर पेंच फंस गया है। तेज बहादुर यादव पर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। नौकरी से बर्खास्तगी को लेकर दिया गलत हलफनामा, चुनाव आयोग ने इसको लेकर तेज बहादुर को नोटिस जारी किया है। तेज बहादुर ने वाराणसी से इसी चुनाव में 2 बार नामांकन किया है, एक बार निर्दलीय और एक बार महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। दोनों बार नामांकन में दी गई जानकारी में अंतर है।
अगली खबर का रुख करेंगे जो जेट एयरवेज के कर्मचारियों के सामने आई एक और मुसीबत की है और इसके साथ ही एक उम्मीद भी जगी है जेट एयरवेज के स्टाफ के लिए। पहले उम्मीद की खबर जान लीजिए। विस्तारा एयरलाइंस ने जेट एयरवेज के करीब 100 पायलट और 450 केबिन क्रू मेंबरों को नौकरी दी है। इसके अलावा जेट के 737 बेड़े को भी अपने में शामिल करने पर विचार कर रही है विस्तारा एयरलाइंस। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर ने भी जेट एयरवेज के पायलट और क्रू मेंबर्स को नौकरी दी है। अब जेट एयरवेज के कर्मचारियों की मुसीबत सुनिए। कल से यानी बुधवार से जेट एयरवेज के कर्मचारियों की मेडिक्लेम पॉलिसी खत्म हो जाएगी। जेट एयरवेज मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम देने के पैसे नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रतापगढ़ में अपने ही बीजेपी उम्मीदवार पर योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूट पड़ा। योगी के पीछे खड़े ये कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर हैं, जिन्हें भरी मंच पर योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगा दी। और तो और सीएम के सुरक्षा गार्ड ने सोनकर को खींचकर वहां से हटा दिया। दरअसल सीएम योगी मंच पर जब भाषण दे रहे थे उस वक्त विनोद सोनकर उनके पीछे ही खड़े थे। तस्वीर खिंचवाने के लिए वो कई बार योगी के नजदीक गए। मंच की अव्यवस्था को लेकर योगी ऐसे नाराज हुए कि बीजेपी उम्मीदवार को ही फटकार दिया। और अब बात फानी तूफान के खतरे की। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तूफान फानी धीरे धीरे ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल ये तूफान बेहद खतरनाक चक्रवात का रूप धारण करेगा। ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को भी समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। नॉर्थ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 2 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। 3 मई के बाद फानी की तूफानी हवाएं 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। देख रहे हैं जो ब्लैक लाइन है, वो ब्लैक लाइन पास्ट ट्रैक है। अभी तक साइक्लोन कहां से यहां से डेवलप हुआ और धीरे धीरे मूव करके यहां तक पहुंचा है। और अब ये जो रेड लाइन है, ये हमारा फोरकास्ट ट्रैक ऑफ द साइक्लोन है। ये ऐसे साइक्लोन मूव करके धीरे धीरे उड़ीसा तट को यहाँ अतिक्रम करेगा और कोस्ट के हिसाब से गति करके यहाँ पहुंचेगा। और अगली खबर जापान से है। 30 साल तक जापान के सम्राट रहे अकीहितो ने आज अपनी राजगद्दी अपने बेटे नारुहितो को सौंप दी। नारुहितो ने जापान के 126वें सम्राट के रूप में सत्ता ग्रहण की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नारुहितो ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मसाका ओवादा से शादी की है। साल 1989 में अकीहितो ने दुनिया की सबसे पुरानी राजशाही की कमान संभाली थी। साल 2016 में उन्होंने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया कि अब वो अपनी गद्दी छोड़ना चाहते हैं। गद्दी छोड़ने की वजह उन्होंने कैंसर को बताया। अकीहितो ने राज परिवार में आधुनिकता का तड़का भी लगाया। वो पहले ऐसे जापानी राजा बने जिन्होंने राज परिवार के बाहर शादी की है। अकीहितो अपने कामों और आचरण के जरिए जनता के करीब गए। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के फैंस के लिए खास तौर से अच्छी खबर है। ऋषि कपूर के दोस्त राहुल रवेल ने फेसबुक पर तस्वीर डालकर इस बात की पुष्टि की है। पोस्ट में राहुल रवेल ने लिखा, ऋषि कपूर अब कैंसर मुक्त हैं। वहीं ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर को फिलहाल एक मेडिकल कोर्स पूरा करना होगा, उसके बाद ही वो जल्द भारत वापस लौटेंगे। बता दें कि ऋषि कपूर पिछले 7 महीनों से न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे हैं। पंचनामा में आज बस इतना ही। आगे देखिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अनुराग मुस्कान के साथ आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।